चलो ठीक है। देखो यार, कल यूनिट्स देखा, यूनिट्स का काफी सारा डिस्कशन किया, सब कुछ किया हमने वहां पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी रिसाइज की, तो आप लोगों को मैंने, जब हम लोग एस्टीमेट सीख रहे थे तब एक चीज दिखा बताया था आप लोगों को मैंने, जो थी हमारी टेक्स्ट एरिया, याद होगा सब लोगों को टेक्स्ट एरिया। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ओके, अब हो रही है क्या? एक मिनट, थोड़ा समय सही से करता हूँ नेटवर्क को। अब ठीक है क्या वॉइस? यस सर, क्लियर है। सो देखो यहाँ पे, अभी हम लोग टेक्स्ट एरिया जब देखते थे, आप लोग को याद होगा टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरह से, सिंपल सा टेक्स्ट एरिया, इसमें कुछ कंटेंट लिखता हूँ मैं, हेलो आया सेव। ये वाला जो टेक्स्ट एरिया होता है यहाँ पे, देखो ये कम ज्यादा होता है, मतलब ये रिसाइजेबल है। यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन से सिखा रहा हूँ ये बात, क्योंकि हमें रिसाइज प्रॉपर्टी दिखनी है, जो काफी अच्छी प्रॉपर्टी है और यूजफुल भी है। देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला रिसाइजेबल है, देखो कम ज्यादा हो रहा है। तो हमें किसी भी एलिमेंट को एचटीएमएल के, मान लो डिव है कोई भी हो, उसको इस तरह से बिहेवियर करवाना है, हमें इस रिसाइज का यूज करना है वहां पे। ठीक है, ये वाले रिसाइज का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ताकि आपको मैं वो प्रॉपर्टीज के कुछ वैल्यूज है, सिंपल सिंपल वैल्यूज है वो यहाँ पे रहने दो। कुछ प्रॉपर्टीज है ना, अच्छे खासे प्रॉपर्टीज है। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रिसाइजेबल करना है एलिमेंट्स को। ओके देखो यहाँ पे, देखो अभी करना क्या हम लोग को, कुछ इस तरह से करना है। यहाँ पे होती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टली हमें उसको रिसाइज करना है, या फिर बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है, उसकी हॉरिजॉन्टली भी करेगा और ये कुछ इस तरह से। देखो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये कम ज्यादा हो रहा है। देखो यहाँ पे ये ऐसे हम लोग बनाएंगे, सिंपल चीज है, क्या करना है। बट इसको करने के लिए हम लोग एक डिव लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं कमेंट करता हूँ अभी। एक डिव लेते हैं, डिविजन टैग बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, सिंपल सा ऊपर स्टाइल, और डिव यहाँ पे एक विड्थ देते हैं हम लोग उसको 30, यहाँ पे 300 पिक्सल पिक्सल, और हाइट देंगे हम लोग उसको कुछ 300 पिक्सल। वगैरह लिख के रखते हैं पहले से, जरूरत नहीं बट आपको दिखाने के लिए लगेगा यहाँ में कंटेंट। ओके तो ये होगा, अभी बैकग्राउंड कलर भी देते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड। ठीक, यहाँ पे कुछ इस तरह से रिफ्रेश। देखा आपने, अभी इसको रिसाइजेबल बनाना है हमें, कम ज्यादा करवाना है। तो सिंपल सी बात है, रिसाइज प्रॉपर्टी लगा, रिसाइज के साथ में अलग अलग वैल्यूज होती है, बोथ होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है। तो मैं पहले हॉरिजॉन्टल बताता हूँ आपको, ठीक है। बट आपको आपका काम इतने से होगा नहीं, क्योंकि ये जो रिसाइज प्रॉपर्टी होती है, ये बोलती है कि इसे एक हेल्पर प्रॉपर्टी चाहिए। कौन सी वाली प्रॉपर्टी हमें लगाना पड़ेगा? ओवरफ्लो। इसी के साथ में हमें ओवरफ्लो लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाकर ये सही तरह से काम करेंगे। तो हम लोग लगाते हैं ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो में हम लोग देते ऑटो। अभी रिफ्रेश किया मैंने, अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे, आपको देखो एक कॉर्नर में, देखो यहाँ किस तरह से कम ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। पहले ऐसा नहीं हो रहा था बट अभी हो रहा है। बट ये किस तरह से हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टली हो रहा है। देखो हॉरिजॉन्टली कम ज्यादा हो रहा है, रिसाइज हो रहा है। ये एक ड्यू है हमारा। अभी इसी को, अभी मैं देखो क्या कर रहा हूँ, अभी मुझे इसी बिहेवियर को वर्टिकली लाना है। तो मुझे सिंपल प्रॉपर्टी क्या यूज करना पड़ेगी यहाँ पे, रिसाइज हॉरिजॉन्टल की जगह पे मुझे यूज करना पड़ेगा रिसाइज रिसाइज वर्टिकल। इससे होगा क्या, ये वर्टिकली कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग इसको। देखो वर्टिकली इस तरह से, ठीक है। अब मुझे अगर दोनों के दोनों, मतलब दोनों डायरेक्शन में कराना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो हम लोग को यूज करना है वहां पे क्या, बोथ। ओके बोथ, ये दोनों जगह पे होगा, हॉरिजॉन्टली भी बढ़ेगा और देखो कहीं से भी बढ़ेगा। देखो इस तरह से ये होता है आपका, ठीक है। या समझना इतना ही, हमें रिसाइज कर सकते हैं हम लोग चीजों को, और उसके लिए बट ये हेल्पर प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ पे। जैसे आप लोगों को पोजीशन के टाइम मैंने बताया था कि हम लोग को मूव करवाना है, तो हेल्पर प्रॉपर्टीज यूज करते हैं हम लोग, उसके साथ में टॉप बॉटम, उस तरह से यहाँ पे रिसाइज के लिए ओवरफ्लो होना चाहिए, ठीक है। आज एक आप लोगों को दो तीन प्रॉपर्टीज ऐसे बताऊंगा आप लोग को, आप लोग अलग बिहेव करेंगे, मतलब बिहेव सॉरी आप लोग नहीं करेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज कुछ अलग करते हैं। तो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं आज। ओके ये रिसाइज हुआ हमारा, अब रिसाइज तो ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग रिसाइज के बाद में, वो है वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल फंक्शन, वेर फंक्शन क्या हो रहा है। ओवरफ्लो को लिमिट दिया, तो ओवरफ्लो को लिमिट देगा, नहीं, देखो वहां पे इतना ही कहा गया कि आपको ये यूज करना ना, इसके साथ में ओवरफ्लो प्रॉपर्टी आपको चाहिए,
आप इसमें कुछ भी नहीं करो, फिर यहाँ पे स्क्रोल लिखो, इसके जो भी हो गए ना चार दो तीन वैल्यूज है, आपको बताया था मैंने, स्क्रोल है, ऑटो है, ठीक, तो आपकी मर्जी वो यूज करो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। बट ये इतना कहा है लोगों ने कि ओवरफ्लो चाहिए इसके साथ में यूज करने के लिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अभी वैसे आपको ये ज्यादा मुझे नहीं लगता आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में ये कभी कभार यूज हो सकता है रेयर केस में, बट ये जो सेकंड वाली फंक्शन है हमारा, ये काफी यूजफुल है, और मुझे लगता है कि आगे चलकर आप सीएसएस के बाद में, जैसा सिर्फ सीएसएस पढ़ने के बाद में आपका काम नहीं होता कंप्लीट, आपको जैसे जैसे आप आगे इंप्रूवमेंट करेंगे आपको अलग अलग प्री प्रोसेसर सीखना पड़ेंगे। अभी प्री प्रोसेसर का मतलब आपको एक शॉर्टकट में बता दूं, आप फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि सीएसएस का एक क्या करते हैं हम लोग, इतने प्रॉपर्टीज यूज करते हैं ना, तो एक शॉर्टकट वे, और हम लोग लाइब्रेरी या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता उसको करेक्ट वर्ड होगा लाइब्रेरी, प्री प्रोसेसर बोलते हैं, तो एस सी एस एस तब सास करके और लेस, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ठीक है, तो ये आपको आगे पढ़ना होगा वैसे तो, बट अभी जरूरत नहीं आपको समझने की, बट उसमें ये चीजें काफी होने वाली है, जैसे मैं अभी जो यूज करके दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको हेल्पफुल रहेगी आगे इंप्रूवमेंट के लिए। और ये वैसे भी हम लोग कोड में यूज कर सकते हैं वैर फंक्शन, ये वैर फंक्शन करता क्या है, तो कुछ नहीं करता, आपको सी जैसे सी में आप लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यूज नीचे यूज करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे हम लोग करते हैं। देखो आप लोग के साथ बताता हूँ मैं आप लोग को, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, दो तीन एग्जाम्पल लेता हूँ, मतलब दो तीन पैराग्राफ लेता हूँ, एक पैराग्राफ लेंगे हम लोग सिंपल सा, कुछ कंटेंट देते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे एक स्पैन टैग लेते हैं, स्पैन टैग, एक हम लोग लेते हैं H3 या ओके H3 टैग लेते हैं, इसमें कुछ कंटेंट देते हैं डमी कंटेंट, तो हमने ये तीन चीजें ली है यहाँ पे, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को सीएसएस लगाने की कोशिश करने वाला हूँ सिंपल तरीके से, ओके, तो हम लोग सीएसएस यहीं पे मैं लगाता हूँ, अभी स्टाइल स्टाइल लगा लिया हम लोगों ने, पी टैग, ओके, अभी मैं कोई क्लास और आईडी वगैरह यूज नहीं कर रहा आपको सिंपल तरीके से बताने के लिए, स्पैन, और हम लोग यहाँ पे करेंगे H3, हम लोग अभी कलर देना चाहते हैं तीनों को, मान लो हमारी वेबसाइट है जिसमें इन तीनों को एक ही कलर देना है, वो कलर है हमारा रेड, ठीक है, ऐसा समझ लो फिलहाल के लिए, कलर इसका रेड है, ठीक है, और इसका कलर जो है वाइट है, और इसके बैकग्राउंड में रेड है, ठीक है, आपको समझना है कलर कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, ऐसा समझना है कि अभी होता क्या है, जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना तो कलर ऐसे झंकी पंकी वाले या फैंसी वाले कलर नहीं देते, पूरा वाला डार्क है, ऐसा कुछ नहीं देते, आपने देखा होगा काफी सारे साइट्स जो फेंट कलर यूज करते हैं, बट लगभग लगभग कुछ मैचिंग कलर होते हैं, तो एक कलर पूरे वेबसाइट में काफी काफी टाइम्स यूज होता है, आप लोगों एक ऑब्जर्वेशन करना वेबसाइट के अंदर समझ आएगा वो, देखो अभी मैं दिखाता हूँ, अभी कलर, अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पीछे इसको हम लोग करते हैं येलो, और इसके बैकग्राउंड में भी मैं करता हूँ रेड यूज, ठीक है, मुझे बताना क्या है उस एग्जाम्पल से मैं दिखाऊंगा आपको, ओके, तो अभी यहाँ पे देखना ही है आपको कि यहाँ पे भी मैंने रेड यूज किया, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में रेड किया, कहीं ना कहीं मैंने रेड यूज किया है, बट अभी मुझे करना क्या पड़ा कि हर जगह जाकर मुझे रेड इस तरह से बनाना पड़ा, ठीक है, तो ऐसा क्यों ना हो कि मैं एक ही जगह पे रेड बता दूं तो मेरी पूरी वेबसाइट में, मतलब जहां जहां मैंने रेड यूज किया है ना वहां पे वो सब यूज हो जाए, और जब मुझे चेंज करना है, मान लो मुझे येलो करना है, तो मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट के अंदर जहां जहां पे रेड कलर यूज है वहां पे येलो हो जाए, तो एक लाइन में चेंज करने से पूरा कोड चेंज हो जाना चाहिए, तो एग्जैक्टली आपको मैंने कुछ थोड़े दिनों पहले फॉन्ट फेस का बताया था मैंने, क्या कि एक जगह फॉन्ट में चेंज करो तो पूरे वेबसाइट का फॉन्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी बताया था ना मैंने फॉन्ट फेस, तो थोड़ा बहुत वैसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो करना क्या पड़ता है, मैं वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हम लोग किसी चीज को किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करेंगे यहाँ पे, ये रेड है, ये रेड रेड, कोई भी कलर हो, कोई भी कुछ भी वैल्यू हो, ऐसे नहीं कि मैं कलर्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ, कलर कोई भी वैल्यू हो, जैसा मान लो विड्थ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, इस कोड को मैं उठा के ऊपर ही लेके चलता हूँ, क्योंकि हमें ऊपर भी समझना है, यहाँ पे अभी होता क्या है कि इन लोगों ने कहा कि अगर आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं अपने स्टाइल शीट में, ओके, अगर आपको वेरिएबल्स का यूज करना है तो आप इधर उधर कर सकते हैं, बट रूट एलिमेंट में अगर करें हम लोगों ने तो वो पूरा मतलब ग्लोबली एक्सेस होता है, आपको एक एक्सेस बता दो, चलो यहाँ पे देखो, मान लो देखो इस बॉक्स, एक बॉक्स है, इसमें कुछ चीज रखी हुई है, तो इसका जो एक्सेस है इसी के अंदर होगा, यहाँ पे इसके अंदर, इसके बाहर लोग उसे एक्सेस नहीं कर सकते, मान लो एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा, देखो एक रूम है यहाँ पे,
इस रूम के अंदर यहाँ पे टीवी रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टीवी रखा हुआ है। तो अभी हो क्या रहा है, इस रूम के अंदर जितने लोग हैं बैठे हुए यहाँ पे, वो लोग ही टीवी देख सकते हैं। अब जो बाहर से जा रहा है रास्ते पे यहाँ पे, वो तो नहीं देख सकता ना, उसको अंदर आना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ इसलिए बताने के लिए कि जो अंदर है उनको ही टीवी का स्कोप मिला, मतलब टीवी देख सकते, बाहर वाले नहीं देख सकते। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है कि जो एचटीएमएल हमारा रूट एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि सब टैग हमारे एचटीएमएल के अंदर ही है, तो एचटीएमएल के अंदर हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स बनाएंगे मतलब डिक्लेयर करेंगे आपकी लैंग्वेज में। अगर सी बैकग्राउंड से है तो आपको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, डिक्लेरेशन करेंगे भी। देखो कैसे करते हैं, एक्चुअली ये नया कॉन्सेप्ट है तो पहले यूज नहीं होता था ये, बट आपको भी पता होना चाहिए। वेब डेवलपमेंट इतना आगे बढ़ चुका है मतलब ट्रेंड में, कि काफी नई नई चीजें यूज करते, ओल्ड को मतलब ओल्ड ज्यादा प्रेफर नहीं करना हम लोग को। देखो यहाँ पे अभी करना क्या, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का वे कैसे है, उसको तरीका क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस डिफरेंट वे कैसे करना हम लोग को। देखो सिंपल वे हम लोग को लगाना है डबल डैश इस तरह से, फिर आपको वेरिएबल का नाम दे देना है। मान लो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे माई कलर, ओके कलर, और आपको यहाँ पे रेड दे देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेयर, ओके, बट इसका ग्लोबल स्कोप है, आप अभी कोई भी एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं इसको, मतलब बॉडी में यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बॉडी को लगा सकते हैं आप, कलर लगाना है तो कहीं पे भी लगा सकते हैं बॉडी के अंदर भी, ठीक है। बट अगर मैं यही चीज मतलब यही डिक्लेरेशन अगर मैं ड्यू के अंदर करता ना, यहाँ पे इस जगह पे करता मैं अगर ये डिक्लेरेशन, ये वाला उठा के मान लो ऐसे करता, मैं आपको दिखाऊंगा वैसे करके इस तरह से, तो होगा क्या कि ड्यू और ड्यू के अंदर वाले जितने भी चीजें होंगे, मतलब उसके चिल्ड्रंस होंगे, ड्यू के जो पेरेंट है उसके चिल्ड्रंस होंगे, वही ये कलर को एक्सेस कर पाएंगे। ये डिफरेंस है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि रूट एलिमेंट के साथ में कैसे करेंगे। तो ये वेयर फंक्शन का बोलोगे यहाँ पे यूज कहाँ पे, ये फंक्शन है कहाँ पे, इसका यूज क्या है, तो सिंपल सा यूज है। देखो अभी ये रेड है यहाँ पे सब जगह पे, ओके, मैंने वेरिएबल बना लिया, डबल डैश लगाना है हमें आगे, वेरिएबल का नाम लिख देना है। आप वेरिएबल अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, बट आपको स्पेस नहीं देना है, याद रखना स्पेस नहीं देना है ऐसे, आपको स्पेस देना भी है बट नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है स्पेस, आप उसकी जगह पे डैश दे दो ऐसे, ठीक है, डैश दे दो, अंडरस्कोर दे दो, चलेगा। या फिर आप कैमल केस फॉलो करो, कैमल केस का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो वर्ड्स होते हैं ये छोटे होंगे, और जो सेकंड वर्ड्स होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ये कैमल केस। मतलब ये देखो ऊंट जैसा, आप लोगों ने ऊंट देखा होगा, मैं थोड़ा ड्रॉ कर देखा था यहाँ पे, देखो कुछ इस तरह से होता है ना अभी ऊंट जैसा, अभी मुझे नहीं ड्रॉ करते आए इस तरह से, थोड़ा बहुत ऐसा है, तो ये कैमल केस, ठीक है। अभी अलग अलग होते हैं, स्नेक केस होता है, आपको मैं किसी दिन बताऊंगा केसेस के बारे में, अलग अलग होते हैं वहाँ पे, अलग कुछ कुछ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स, कि हम लोग इसको अगर फॉलो करें ना तो एक बेटर कोड कर सकते हैं, अच्छी तरह से कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग यूज कैसे करना, अभी उस पॉइंट के ऊपर आते हैं। अभी इस रेड को हटा देना है मुझे, ठीक है, मुझे यहाँ पे करना है वेयर, इस तरह से यूज करना है, इसके अंदर मुझे वेरिएबल का नाम दे देना है माय कलर, तो ऊपर नाम है वही नीचे आपको यूज करना है, देखो यहाँ पे माय कलर। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि वो पैराग्राफ का रेड कलर ऐसे ही है क्या, देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे, बट कलर वैसे की वैसी ही यहाँ पे, बट मैंने कलर यहाँ पे खास करके दिया नहीं। आप लोग देखो मैंने किसका यूज किया, यहाँ पे वेयर फंक्शन का यूज किया जिसमें मैंने वेरिएबल को पास किया, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस माय कलर की वैल्यू क्या है रेड, अगर मैं यहाँ पे येलो कर दूं तो देखो अभी अभी देखो पैराग्राफ के टेक्स्ट की वैल्यू येलो हो जाएंगी, यहाँ पे देखो येलो हो गई येलो। तो ये फायदा है हमारा, और यहाँ पे टाइम हमारा बचता है, ताकि मुझे अगर एक ही साथ ही मैं जहां जहां पे जो कलर यूज हुआ है उसको चेंज करना है, तो ऐसे अगर मैं वेरिएबल्स में काम करूंगा, अभी एक एग्जांपल सेकंड बताता हूँ, रुको अभी इसको मैं रीयूज कर सकता हूँ, मान लो अभी देखो यही को इसी को मैं यूज करता हूँ नीचे भी, यहाँ पे जहां जहां रेड है मैं वहां वहां यूज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अभी देखना मैं रिफ्रेश किया, ओके कुछ इस तरह से, अब मैं ऊपर वाले का कलर चेंज कर रहा हूँ, जो ऊपर है हमारा वेरिएबल उसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, मान लो मैं उसको कर रहा हूँ डार्क ऑरेंज करते, चलो किया मैंने, तो देखो जहां जहां रेड था नीचे इस जगह पे ये पूरा ऑरेंज हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो एक जगह पे मैंने चेंज किया और सब जगह हो चुका है, तो हुआ क्या यहाँ पे रियूजेबिलिटी, पहली बात तो हम लोग ने रियूज किया चीजों को, रियूज वेरिएबल्स का यूज करके, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें लैंग्वेजेस में भी ऐसे ही करते हैं हम लोग, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और उसको बाद में यूज करते हैं, उसके ऊपर चेंजेस करते हैं, बट यहाँ पे इतना ही कर सकते हैं हम लोग फिलहाल तो अभी, ओके। अभी क्या करना है, अभी आपको दिखाऊं मैं, सिर्फ कलर नहीं आप दूसरी भी चीजें कर सकते हैं। मान लो आपको करना है यहाँ पे विड्थ, विड्थ यहाँ पे मैं देता हूँ, देखो मान लो ऐसे दिया मैंने कुछ 100,
तो देखते हैं अगर ये नंबर से स्टार्ट होता है तो क्या प्रॉब्लम देता है, हम लोग इसे चेक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, देखो 100-width कोलन, आपको चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ मैं। ओके, अभी मुझे करना है यहाँ पे 500 pixel, और मैं इसी वेरिएबल को, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। देखो मैं कैसे करूंगा, वेयर फंक्शन इसके अंदर मैंने डाल दिया, देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इजिली कि इसकी जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है, पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे देखो, अभी हाइट में करके दिखाता हूँ मैं आपको हाइट में, बट खाली यूज नहीं करना है इसे, हम लोग को वेयर फंक्शन भी लगेगा वहां पे। वेयर फंक्शन इसके अंदर डाल दिया हमने, दैट्स इट, ये हमारा काम बचाएगा। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल है, बट ऐसे अगर हम लोग सब वेरिएबल्स में काम करा दें इस तरह से, तो अगर कुछ चेंज करना है हमें किसी चीज के ऊपर जो रिपीटेडली हो रही है नीचे, तो ऐसे एक जगह पर हम लोग चेंज कर सकते हैं और उसकी साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से, अभी अगर मान लो मुझे इसको छोटा करना है, 200 का करना है, तो जहां जहां ये यूज हो रहा है वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, वाह वाह, ये 200 पिक्सल लग जाएगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा 200 पिक्सल, नीचे हो जाएगा 200 पिक्सल, रिफ्रेश, दैट्स इट। ये है हमारा वेरिएबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट आपको टास्क रहेगा, ये आपका टास्क ये है, अभी आपको करना क्या है, जो मैंने रूट एलिमेंट में यूज किया ये फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे, सॉरी वेरिएबल का डिक्लेरेशन वगैरह किया मैंने यहाँ पे, इसको आपको करना है कुछ इस तरह से बनाएंगे। आपको क्या करना है, फर्स्ट आप बनाएंगे एक ड्यू, आपका टास्क है, आप लोग नोट करके यहाँ पे ध्यान में रख लो, वैसे एक ड्यू बनाएंगे आप लोग यहाँ पे ड्यू, और उस ड्यू के अंदर ये कुछ इस तरह से आप लोग करेंगे डिक्लेरेशन। ओके, आपको जैसा करना है वैसे बनाओ, आपकी मर्जी, जो भी वेरिएबल्स आपको बनाने, बना सकते आप फॉन्ट फेस, फॉन्ट फैमिली का बना सकते, हर चीज का बना सकते, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, अलग अलग वेरिएबल्स बनाओ, बट इसका सिंटेक्स जो है ना इसको मत छोड़ना, ठीक है, सिंटेक्स जो है उसको फॉलो करना। ओके, सो देखो अभी यहाँ पे ये आपको मैंने बताया, ठीक है, और यहाँ पे ये हुआ ड्यू, मैं आपको इस तरह से करना है, बट आपको एक चेंज करना है। यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर आप दूसरा ड्यू ले लो, एक दूसरा ड्यू ले लेंगे आप लोग ड्यू टैग, ओके, यहाँ पे दूसरा ड्यू ले लो, और यही वेरिएबल्स को कुछ इस तरह से वेरिएबल की मदद से एक्सेस करके देखना इसके अंदर, ठीक है। तो आपको वहां पे समझ आएगा कि अगर मैं ड्यू के अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, और क्या करना है बाद में यहाँ पे एक आप पैराग्राफ बना लो, पैराग्राफ टैग, और यहाँ पे उसी वेरिएबल्स को जो ड्यू में डिक्लेयर किए हुए इसको एक्सेस करने की कोशिश करो। वैसे तो मैंने आपको क्लियर बता दिया, बट ये आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। क्या करना है ट्राई, कुछ इस तरह से, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन करना है। यहाँ पे एक पेरेंट ड्यू बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक छोटा सा ड्यू बनाएंगे जो चाइल्ड रहेगा, और एक बाहर रहेगा वो जो सिबलिंग रहेगा। अभी एक्चुअली सिबलिंग क्यों बोला मैंने, देखो एक आपको रिलेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारा मान लो एक चाइल्ड है, ये भी हमारा एक चाइल्ड है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये दो चाइल्ड है, ठीक है, ये पेरेंट, ओके, कुछ इस तरह से, तो ये एक चाइल्ड है, ये एक चाइल्ड है, तो पेरेंट और चाइल्ड ये क्या रिलेशन है, पेरेंट और चाइल्ड, बट ये दोनों का रिलेशन क्या है, सिबलिंग्स यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैंने कहा सिबलिंग्स, क्योंकि ये ड्यू हमारा जो है, ये ड्यू ये हमारा सिबलिंग है पी का, ठीक है, और ये जो ड्यू है अंदर वाला ये हमारा चाइल्ड है, जैसे आप लोग बनाओगे स्ट्रक्चर वैसे, ठीक है। आ गई समझ में, टास्क आपका क्या रहेगा, आपको इस वेरिएबल के बनाने का तरीके को आपको कहाँ पे यूज करना है, पेरेंट में यूज करना है और चाइल्ड में यूज करना है, ठीक है, पेरेंट में बनाना है और चाइल्ड में यूज करना है, ओके। और दूसरा जो टास्क, मतलब उसी टास्क में आपका दूसरा पार्ट रहेगा कि उस वेरिएबल्स को इस तरह से जैसा चाइल्ड में यूज किया आप लोगों ने, वैसे ही बाहर वाले सिबलिंग्स में यूज करने की कोशिश करना है आपको। कोशिश फेल ही जाएंगी वो मुझे पता है, बट ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने रिजल्ट बता दिया तो आप लोग ट्राई नहीं करोगे, आप लोग ट्राई करना, आपको और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि चीजें जब ट्राई करेंगे आप लोग तो आपको अलग अलग उसके पॉइंट्स मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे, ठीक है। ओके, सो हम लोग अभी ये था वेरिएबल्स का पॉइंट, बाकी आप लोग सब कुछ चीजें स्टोर कर सकते हैं उसमें वेरिएबल्स में, और यही चीजें आपको आगे देखने को मिलेगी जब आप लोग मैंने कहा वो सैस और लेस ये प्री प्रोसेसर से आगे के सीएसएस में, तो किसी सेशन में, मतलब ये जब हम लोग आगे जाएंगे जब डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे तो मैं कुछ ही दिन सेशन लूंगा उसके ऊपर भी, कुछ एक दो घंटे के सेशन होंगे उसके ऊपर आपको एडवांस नॉलेज देने के लिए। ओके, सो देखो अभी ये जो था वेयर हमारा टाइम सेव करने के लिए, बट एक दूसरा फंक्शन है हमारे पास कैल्क नाम का फंक्शन है, कैल्क। अभी आप सोच रहे हैं ये करता क्या है कैल्क, तो ये कैलकुलेशंस करता है बेसिकली। आप बोलेंगे कैसे कैलकुलेशंस, तो मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। एक नई फाइल लेते हैं हम लोग, ताकि ये फाइल में काफी गड़बड़ हो चुकी है अभी, इसका जो नाम है उसका चेंज करना चाहिए था नाम इसका, इसका नाम हम लोग रखते हैं
और कुछ और किया यूज? नहीं, फाइल बनाता हूँ सिंपल तरीके से। उसके अंदर हम लोग कैल्क का प्रैक्टिकल देखेंगे, कैल्क फंक्शन का। सिंपल सा फंक्शन है कैलकुलेशन के लिए बेसिकली। अभी हम लोग को खुद कैलकुलेशन करना पड़ते थे पहले, कैल्क डॉट एच टी एम एल। ये हम लोगों ने सिंपल एग्जाम्पल दिखा था आपको, ताकि आप लोग एग्जाम्पल में समझ सकें। ओके, डिव लिया मैंने एक। डिव में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कुछ आईडी देते हैं, बॉक्स बनाते हैं उसको। जो नया होगा ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले ही संडे को हम लोगों ने एचटीएमएल को कवर किया, कुछ 40-70 मिनट्स में, आई थिंक 70 मिनट्स के आसपास कुछ कंप्लीट किया एचटीएमएल पूरा, जो जो भी हमने देखा था। ठीक है, और वैसे भी हमारे सेशंस ऑलरेडी है यूट्यूब के ऊपर, तो टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। और हम लोग तो है ही, कुछ क्वेश्चन हो तो किसी का हम लोग को कभी भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स है, तो एक विड्थ हम लोग लेंगे इसको। तो कैलकुलेशन फंक्शन में यूज करके दिखाता हूँ आपको। पहले तो हम लोग यहाँ पे सिंपल लेंगे 300 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पे लेता हूँ मैं 300 पिक्सल। ठीक, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लोग लेंगे इसको ऑरेंज। ठीक है, और कुछ बॉर्डर भी लेते हैं, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। देखो कुछ इस तरह से हमारा एक बॉक्स रेडी है, जिसमें हम लोग सेशन मतलब कैल्क फंक्शन का देखने वाले। वेट अ मिनट, बस थोड़ा वाटर पी लूं। देखना हम लोग को क्या करना है, सिंपल करना है चीजें। हम लोग करेंगे अभी कैलकुलेशंस। आप लोग को थोड़ा बहुत याद आएगा अभी मैथमेटिक्स, कुछ भी ऐसे डेंजर वाले कैलकुलेशन नहीं होने वाले यहाँ पे। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन मैंने काफी सिंपलीफाई किया है। मैंने आपको ये करने के पहले, मतलब सेशन लेने के पहले, कुछ सिंपलीफिकेशन तरीके से कुछ एग्जांपल्स मेरे माइंड में थे, उसको मैंने पहले बना लिया, माइंड में ही बना लिया, नहीं बनाया। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। तो कैल्क नाम का जो फंक्शन है, उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस, जो एडिशन ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, डिवीजन है, और मान लो मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जो भी मैथमेटिकली बेसिक फंक्शंस होते हैं, इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी करना क्या है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। मैं यहाँ पे कैल्क नाम का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, कैल्क इस तरह से। और मुझे अभी करना क्या है, इसको मुझे करना है 300 पिक्सल प्लस 200 पिक्सल, तो कितना होगा ये 500 पिक्सल। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होके आ जाएगा, विड्थ सेट हो जाएंगी। देखते हैं हम लोग रिफ्रेश। ओके, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी विड्थ जो है अभी 500 हो चुकी है। जाएगा अभी, देखो यहाँ पे इसकी 500, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगा। देखो 300 यहाँ पे आया, देखो ये कैलकुलेशन जो आया ना, इसका रिजल्ट क्या आया, 500/500। अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे प्रैक्टिकली चेंज करके देखो, यहाँ पे देखो तो आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। वो कैलकुलेशन कर रहा है, वहां पे एडिशन कर रहा है। मान लो मुझे मल्टीप्लीकेशन करनी है, मल्टीप्लीकेशन देखो अभी, सॉरी मल्टीप्लीकेशन नहीं, सब्सट्रैक्शन हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं इसको देखो कम ज्यादा कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो के विड्थ सेट हो रही है। तो आप बोलेंगे इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब हमारी बॉर्डर की मतलब जब हम लोग किसी बॉक्स बनाते हैं या फिर किसी चीज को बनाते हैं, तो जब हम लोग बॉर्डर देते हैं, पैडिंग देते हैं, मार्जिन देते हैं, तो होता क्या है, पैडिंग से और बॉर्डर से उसकी साइज थोड़ी बढ़ जाती है। आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी, याद होगा। चलो मुझे कोई ना कोई बता दो कौन सी वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की थी, कि हम लोग ऑटोमेटिकली मतलब बॉर्डर हटा रहे थे। याद होगा किसी ना किसी को, मैं अभी पूरा लिंक नहीं दूंगा आपको, बट इतना ही कहूंगा आप लोगों को। चलो अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, आई थिंक किसी को याद आया, नहीं, गलत याद आया वो भी। आप लोग को फिर से रेफर करना वो प्रॉपर्टी क्या है, याद करना, वैसे कल बोल देना मुझे, कोई जल्दी नहीं है। देखो फिर भी मैं मुझे मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। देखो एक्चुअली ये बॉक्स साइजिंग वाली प्रॉपर्टी है, जो हम लोग यूज करते थे यहाँ पे, जिसकी वैल्यू हम लोग देते थे कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स, याद करो थोड़ा बहुत। ओके, चलो आते हैं हमारे यहाँ पे। हम लोग को क्या करना है अभी, हम लोग इसको थोड़ा पैडिंग वगैरह देंगे। ठीक है, मैं फिलहाल तो इसको 100 पिक्सल देके रख रहा हूँ, 100 या फिर 300 देके रखते हैं, 300 पिक्सल। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, यहाँ पे पैडिंग वगैरह दे दें हमें अंदर कुछ इस तरह से। ठीक है,
या फिर हम लोग करते हैं 100%। ओके, परसेंट भी यूज कर सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ पिक्सल ही यूज करना है हमें। देखो 100%, तो हम लोग ये जो आ रहा है, देखो यहाँ पे ये जो नीचे स्क्रोल बार आ रहा है ना, देखो क्यों आ रहा है, आपको याद होगा कि बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ इसके अंदर ये आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे बॉर्डर की वजह से आ रहा है, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर है वो 5 पिक्सल है और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एडिशन में 100% दे दिया यहाँ पे 100%। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, -5 पिक्सल मतलब 10 पिक्सल की बॉर्डर इसमें से मैंने कम कर दिया 5 पिक्सल। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, देखो यहाँ पे ये यह हमारा बॉक्स है मान लो, ठीक है, मैंने अभी 100% दे दिया टोटली इसको, तो ये क्या होगा 100% से, कल यूनिट्स में आप लोग होंगे तो आपको समझ आएगा 100% से पूरी स्क्रीन इसने एक्वायर करना है। तो बट यहाँ पे हुआ क्या, क्या हुआ यहाँ पे स्क्रोल आने लगा नीचे, बट वो नहीं आना चाहिए था ना ये वाला स्क्रोल जो नीचे आने लगा, क्योंकि फिर वो रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट था हमारा कल का, कि जब हम लोग परसेंटेज यूज करते हैं तो वो स्क्रीन साइज किसके अकॉर्डिंगली सेट होती है, परसेंट में हमारे जो दिख रही है हमें स्क्रीन उसके हिसाब से। बट आप लोग बोलेंगे 100% दिया तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फिट होना चाहिए था ना, फिर ये ऐसा नीचे स्क्रोल बार क्यों आ रहा है, ये क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग यहाँ पे 5 पिक्सल की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉर्डर यूज कर रहे हैं, 5 पिक्सल यहाँ पे, 5 यहाँ पे, मतलब 4 साइड से 5 5 कितने हो गए, 5 5 देखो इस तरह से। बट हो क्या रहा है, 100% में एडिशन क्या हो रही है, 10 पिक्सल। आप बोलेंगे 10 कैसे, तो ये 5 लेफ्ट का 5 और राइट का 5, तो इस तरह से 10 पिक्सल उसमें एडिशन हो रही है यहाँ पे, इसलिए नीचे स्क्रोल बार आ रहा है। आपको रीजन ये समझ में आया होगा, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनना, 100% के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर देने की वजह से हुआ क्या, ये 5 पिक्सल और ये 5 पिक्सल, ये दोनों पिक्सल 10 पिक्सल एड हुए इसमें, और इसकी विड्थ जो ज्यादा हो गई 100% से, एक्चुअली नहीं होना चाहिए था बट यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है ना, क्योंकि हम लोगों ने इसको पिक्सल 10 पिक्सल की बॉर्डर है यहाँ पे और हमारा 100% दिया है टोटली, तो इस वजह से एडिशन हो रही है और फिर नीचे स्क्रोल बार आ रहा है। तो इसको हटाएंगे हम लोग कैसे, कि माइनस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जो हम लोगों ने बॉर्डर दी है ना इसमें से माइनस करेंगे। देखो कैसे करता हूं मैं अभी, तो ऐसे ही कैलकुलेशन के लिए यूज होता है ये, तो सिंपल सा एक आपको बताया मैंने। रिफ्रेश यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बॉडी जो है हमारी बॉडी, उसका भी मार्जिन हमें 0 करना पड़ेगा। देखो अभी चला गया वो, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप कैसे भी कैलकुलेशन करो आपकी मर्जी, यहाँ पे कितने भी कैलकुलेशन करो, बट एक बात याद रखना जो मेरे से पहले गलती हुई थी पिछले सेशंस में, कुछ बैचेस पहले क्या हुआ था, जब मैं इसको यूज कर रहा था तब मैंने इसको ऐसे यूज किया, देखो फिर से देखना यहाँ पे, देखो मैंने कुछ इस तरह से यूज किया, मतलब इसको क्या किया मैंने, सेपरेट नहीं किया 100% माइनस 10 पिक्सल, ऐसा नहीं, इसको स्पेस देना चाहिए तब जाकर ही काम करता है, ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। ओके, अभी आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो आपको समझने के लिए, यहाँ पे 1000 पिक्सल डालता हूं मैं और 1000 पिक्सल माइनस 10 पिक्सल कितना होगा, 1000 पिक्सल माइनस 10 पिक्सल कुछ भी होगा, ठीक है, अभी देखना है यहाँ पे, आपको प्रूफ दिखाता हूँ मैं, ये जो भी है यहाँ पे देखना, इंस्पेक्ट में चलेंगे हम लोग और यहाँ पे आने के बाद में आपको देखो इसके ऊपर चलेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1000 पिक्सल माइनस 10 पिक्सल हुआ क्या, नहीं इसका 10 पिक्सल माइनस नहीं हुआ, एक मिनट, मुझे रीजन से गलती हो गई होगी हमारे से, 100 ही दिख रहा है ना यहाँ पे, देखता हूँ हो रहा है, एक्चुअली वर्क हो रहा है वो, देखो यहाँ पे वो नहीं, कर्सर सही से नहीं उसके ऊपर लेके गया था, देखो 127 इंटू यहाँ पे एक मिनट, इसके ऊपर कर्सर नहीं जा रहा है सही से, 980 ये तो उसका है, थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो रही है क्योंकि इसके ऊपर कर्सर नहीं जा रहा है यहाँ पे ये व्यू में, इसको बढ़ा, आपको समझ आया होगा कि ये कैसे काम करता है एक्चुअली। देखो ये जो है डायनस डबल हुआ, देखो यहाँ पे मैं कम ज्यादा कर रहा हूँ ना यहाँ पे, देखो माइनस वो ऑपरेशन हो रहा है ऑटोमेटिकली परफॉर्म, अभी मान लो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो 120 पिक्सल, माइनस हुआ है ना यहाँ पे, प्लस करना चाहिए था मुझे जब जाके आपको दिखेगा ये, आप मल्टीप्लिकेशन यूज करो कुछ भी करो यूज आपकी मर्जी। देखो अभी आपको यहाँ पे इसकी विड्थ देखना 230 दिख रही है आपको, 220 यहाँ पे हो रही है बट यहाँ पे 230 क्यों दिख रही है, आई थिंक ये ओके बॉर्डर की वजह से दिख रही है हम लोगों को, 230 देखा 230 दिख रही है क्योंकि बॉर्डर है उसमें,
5 पिक्सल की देखो यहाँ पे जो मैंने बताया ना आपको एक्जैक्टली वही है यहाँ पे चीजें। देखो ये वाला देख सकते हैं आप लोग, ये 5 पिक्सल लेफ्ट की और 5 पिक्सल राइट की, और ये जो बीच में है टोटली 220 ये विड्थ हमारी ओरिजिनल विड्थ। आपको याद आ रहा होगा वो सेशन बॉर्डर वाला जहाँ पे मैंने आपको टोटल विड्थ निकालने की बताया था मैंने, तो 220 प्लस ये 5 प्लस ये 5 तो इसका मतलब कितना हो रहा है टोटली यहाँ पे 230 हो रहा है, कितना 230 पिक्सल। ठीक है, जो वही दिखा रहा है हमको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिर से मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो 230 × 310। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का मामला है, मतलब सिंपल सिंपल चीज है, कई कई जगह पर यूज करते हैं इसको, और मुझे तो लगता है कि काफी जगह पर यूज होता है और मैंने भी काफी जगह पर यूज किया भी इसको। ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम लोग रुका देते हैं अभी, मतलब ये वाला सेशन नहीं रुकाएंगे, ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी सही से। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम लोग, वाली प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको अभी। तो ये जो प्रॉपर्टी है क्लिप पाथ नाम की प्रॉपर्टी, ठीक है, सीएसएस की प्रॉपर्टी, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर इमेजेस को शेप देने नाम है तो ये वहां पे यूजफुल होती है। अभी मुझे अभी टाइम लगेगा आपको वो दिखाने के लिए, वरना मैं दिखा देता, मेरा एक प्रोजेक्ट था जावा का, तो उसमें मैंने ये इसको यूज किया था। ओके, मैं दिखाता हूँ यूआई बनाने के लिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक एग्जाम्पल बनाते हैं, clippath.html। एक इमेज देना पड़ेगी हमें सही वाली html, इमेज टैग यूज करते हैं, इमेज देंगे काफी सारी पिक्सम से आई थिंक उठा लेते हैं, चलो पिक्सम से ही उठा लेंगे, पिक्सम से क्योंकि लोकल इमेज तो डाउनलोड रखते नहीं है, पिक्सम फोटोज। इसके देखो आप लोग को अलग अलग शेप्स मिलेंगे यहाँ पे, इमेज के लेता हूँ, इमेज लेते हैं हम लोग यहाँ, एट्रीब्यूट यूज करना चाहिए हमको हमेशा, ये मतलब एसईओ हमारा फोटो इस तरह से कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, नहीं दे रहा हूं मैं, फोटो देखते हैं हमारे कैसे आया, इसको रन करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा फोटो चाहिए हमें, जैसे मान लो 800 × 800 मान लो इस तरह से कुछ, इसको ओपन करते हैं ब्राउजर में। देखो ये कुछ इस तरह से फोटो दिख रहा है। अभी इस फोटो में मुझे क्या करना है, अलग अलग शेप्स बनाने, मतलब सर्कल लेना है फोटो में, ऐसा कुछ करना है। देखो दिखाता हूं मैं एक मिनट, तो क्या करना है सिंपल, एक प्रॉपर्टी यूज करना है जिसका नाम है हमारा क्लिप पाथ, और एक वेबसाइट भी दिखाऊंगा मैं आपको ताकि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े इसके वैल्यूज में। देखो आपको यहाँ पे चलता हूँ, क्योंकि इसके सिंटैक्स है तो मैं खुद भी सिंटैक्स याद नहीं रखता, तो आपको मैं लेके चलता हूँ क्लिप पाथ। वहां पे कुछ वैल्यूज पास करना है हमें, थोड़ा ज्योमेट्री टाइप है, जैसा देखो आप लोगों ने देखा होगा कि सर्कल बनाने के लिए हमें क्या क्या पास करना पड़ता है, ऐसी सब कुछ चीजें। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी चाहिए सीएसएस की हमें, क्या आ गया यहाँ पे क्लिप पाथ टैग आ गया एसवीजी का, क्लिप रूल, चलो ठीक है मिल गया अभी। ओके, तो अभी यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं वैसे का, बट हम लोग को क्या यूज करना है सर्कल। तो सर्कल में कुछ इस तरह से वैल्यू देते हैं, 50 पिक्सल्स एट दो वैल्यूज। देखो यहाँ पे रहेगा सर्कल का कहीं ना कहीं सिंटैक्स, ये ज्योमेट्री ज्योमेट्रिकल वैल्यूज है, यहाँ पे रहेगा कहीं ना कहीं पे सर्कल। ओके, सर्कल शेप रेडियस एट पोजीशन, ओके दो पॉइंट देने, देखो यहाँ पे बताया गया है काफी सारी चीजें, तो जो ज्योमेट्री में हम लोग जिस तरह से देते थे ना वैसे ही दिखाता हूँ आपको, चलो यहाँ पे तो ये 50 पिक्सल्स दिया है ना इन लोगों ने, ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे करके लिखाता हूँ। इमेज हम लोग को सर्कल यूज करना है, सर्कल बनाना है, तो अभी सर्कल की वैल्यूज देंगे हम लोग, चाहते हैं कि 50% की वहां पे रहे, और एट द रेट सॉरी एट एक हम लोग को एंगल देना है यहाँ पे, जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पे एंगल यूज किया है। देखो ये 50 पिक्सल है ना, तो ये रेडियस के बारे में, और ये दो पॉइंट है एक्स और वाई पॉइंट। देखो मैं दिखाता हूँ किसका मैसेज है। ओके, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या अभी, अभी हो रही है क्या, कोई तो बोलो। ओके, सो वापस आ गया मैं, कट हो गया था यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी आई थिंक वॉइस कट नहीं हो रही होगी, मतलब ब्रेक नहीं हो रही होगी, कट ही बोल रहा हूँ मैं।
हो रही है क्या? नहीं हो रही है? कोई मैसेज करके बता सकता है मुझे? हो रही है वॉइस? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ओके आओ वापस से। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ये आ रहा है क्या सही से? ओके ये तो आएगा, ठीक है चलो। तो देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ये हमारा रेडियस है, रेडियस और दो पॉइंट्स देने हमें, जिस तरह से सर्कल को देते हैं ना हम लोग एग्जैक्टली वैसे ही देना है यहाँ पे। सर्कल में जो जो चीजें देना पड़ती है ना हमें, वही चीजें मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है आपको यहाँ पे सिंपली वेबसाइट, मैंने कहा ना कि हम लोग सिंटैक्स वगैरह याद नहीं रखते, सिंपल वेबसाइट से ऑनलाइन इंटरनेट है हमारे पास, विजिट करने का सिंटैक्स देख लेने का, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी मैं सिंपल यूज करने का बता रहा हूँ आपको, यूज कैसे करना है। ये जो सर्कल है इससे क्या होगा, देखो सर्कल बनेगा 50 पिक्सल्स के वहां पे रेडियस, और दो पॉइंट देना पड़ते हैं ना हमें, वो पॉइंट से यहाँ पे चलो हमारे रन करके देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। देखो एक सर्कल बनेगा आपको, ओके देखो यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा होगा। वो जो इमेज थी हमारी, जो इमेज थी तो यहाँ पे देखो उस इमेज का एक हिस्सा कट हुआ और यहाँ पे आपको सर्कल टाइप दिख रहा है, क्लिप पाथ चलेगा ना, दिख रहा है ना सबको, सबको दिख रहा है ये वाला सर्कल, छोटा सा बना है 50 पिक्सल वाला रेडियस। अभी इस सर्कल को मुझे बड़ा करना है ना, तो यहाँ पे देखो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा कुछ। मान लो मैंने दिया 100 पिक्सल, तो सर्कल का रेडियस बड़ा होगा अभी यहाँ पे, बट इसका पॉइंट देखो कहाँ पे जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग करते हैं यहाँ पे 200। देखो यहाँ पे लेके आया मैंने इसको, हमारी जो इमेज थी ना उसके ऊपर ही सर्कल बन रहा है, ये मत भूलना, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा परसेंट में देके देख लूं मैं, 50% बड़ा हो रहा है अभी, बट ये कट हो रहा है, देखो यहाँ पे कटेड हो रहा है। इसको थोड़ा अभी और सरकाएंगे हम लोग, 50-50 करेंगे, सेंटर में लेके आएंगे 50%। ये जो आप लोगे ना इसको हम लोग इंसर्ट में भी कर सकते हैं, देखते हैं इंसर्ट में करके। यहाँ पे आ गया सर्कल, देखा आप लोगों ने वो इमेज जो है ना उसका कट हो गया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट में चलता हूँ, वो जो सर्कल बन रहा है ना बेसिकली उसके पॉइंट मैंने पास किए और कुछ नहीं किया मैंने। देखो यहाँ पे 50%, देखो ये जो बढ़ रहा है ना, देखो यहाँ पे कम हो रहा है बढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, देखो परसेंट में दे रहा हूँ ना मैं इसलिए। तो ये इमेज जो है हमारा उसका ही है, कट हो रहा है, हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये क्लिप पाथ हम लोग करते हैं। अब ये जो पॉइंट है देखो, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है और जो दूसरा है ये वाई एक्सिस का पॉइंट है। देखो ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, आप लोग को याद होगा ग्राफ वगैरह आप लोगों ने अगर ड्रॉ किया होगा पहले वो ग्राफ वाले शीट के ऊपर, देखो कुछ इस तरह से होता था यहाँ पे, ये हमारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट बीच वाला। तो ये सर्कल कैसा बनता था, ये पॉइंट के ऊपर डिपेंड था, एक्स और एक्सिस के दो पॉइंट, मतलब यहाँ पे याद होगा किसी को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं हम लोग आई थिंक उसको, मुझे इतना ज्योमेट्री आता नहीं था पहले, देखो अभी भी नहीं आता, देखो एक्स और वाई इस तरह से। तो मान लो यहाँ पे तो ये वाला हमारा बनता है सर्कल ऐसे, तो एग्जैक्टली वैसे ही ये फॉलो करता है, ठीक है, आया होगा अभी समझ में। अभी ये तो था सर्कल के बारे में, अभी अगर दूसरा शेप बनाना है हमको, हमको बनाना है एलिप्स जैसा शेप, तो वेजिटेरियन होगा आई थिंक, वेट अ मिनट।
ओके ठीक है, देखो अभी मैंने यहाँ पे इलिप्स का बताया आप लोगों को, इलिप्स मतलब यहाँ पे ड्रॉ किया था मैंने एक्चुअली इलिप्स ऐसा, और ये जो पॉइंट्स है उसी के रिलेटेड में आपको समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्चुअली समझना चाहिए बट यहाँ पे सिंटैक्स देख लेने का डायरेक्टली वेबसाइट पे आके, क्योंकि हम लोग ना ज्योमेट्री सीख रहे हैं ना कुछ, हम लोग सीख रहे वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक टेक्निक जिससे आप लोग इजिली ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में एक टेक्निक बताऊंगा कि ये जो शेप्स है ना आपको बना के मिलेंगे, ये जो वैल्यूज है ना आपको ये बनाकर मिलेंगे। एक वेबसाइट, काफी सारे वेबसाइट्स है, वैसे एक पॉपुलर वेबसाइट्स है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। कोई ऐसे इतना मतलब ये सोचते नहीं बैठता है इसके बारे में कि क्या वैल्यूज होना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं करता। सिंपली सिंपली सिंप्लीफाई काम करने का, अपना स्मार्ट वर्क करने का, वेबसाइट के ऊपर जाने का, वहां से ये हमें जैसा जैसा भी शेप चाहिए वैसा ले लेने का, ठीक है। बट आपको ये समझना है यहाँ पे कि सर्कल हमने किस तरह से बनाया, एलिप्स बना सकते हैं और क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये एलिप्स कैसा बनता है वो देखते हैं हमारे इमेज में। रिफ्रेश, यहाँ पे देखो बना क्या, नहीं बना क्या हुआ अभी, वैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू आई थिंक इशू है यहाँ पे। चलो हम लोग चलते वेबसाइट के ऊपर, नेट लीफ फ्री, देखो ये वेबसाइट है यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ये काफी सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपको क्लिपीफाई, क्लिपी टूल, देखो यहाँ पे लिखा है लोगों ने क्लिपी, तो क्लिपी पे क्लिक करेंगे सिंपल पूरा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर का। अब ये तो एक वेबसाइट है, ऐसे काफी सारी वेबसाइट है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा वाला शेप चाहिए आपको, यहाँ वहाँ पे तो आपको दो तीन शेप मिले थे ना, यहाँ पे आपको काफी शेप है। देखो आपको अगर चाहिए एलिप्स वाला कहाँ पे, देखो ये एलिप्स है ना इसका, देखो अगर आपको चाहिए कुछ इस तरह से इमेज में ऐसे वाला चाहिए, यहाँ पे ऐसे वाला, ठीक है, कुछ इस तरह से चाहिए, ठीक है, एलिप्स कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो यहाँ पे लास्ट में देखो ये जनरेट हो रही है सीएसएस, यहाँ पे इसको अपने ऐसे कॉपी करा ना सिंपली और वहां पे आके डाला ना तो खत्म हो जाएगा, मतलब हमें जो सोचने वाली बात थी वो भी हट गई यहाँ पे, सिंपल आगे पेस्ट कर देना सिंपल, ये सिंपल चीज है। ऐसे ही हम लोग भी फॉलो करते हैं प्रोजेक्ट्स में, यहाँ पे रिफ्रेश किया हम लोगों ने, देखो अभी चलेगा वो, देखा है आपने, आप लोगों ने जो भी इमेज होगी ना, जो भी इमेज आएंगी यहाँ पे, अभी हमारी इमेज चेंज हो रही है हर रिफ्रेश को, ठीक है। यहाँ पे देखो हर रिफ्रेश पे इमेज चेंज हो रही है आप लोगों की, देखो यहाँ पे इस तरह से एलिप्स वाला शेप। अभी नेक्स्ट वाला जो शेप है हमारा वो है इनसेट। इनसेट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे थोड़ा चलते हैं समझते हैं उसके बारे में। इनसेट, इनसेट का मतलब कि हम लोग उसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो अभी हम लोग चलते हैं फिर से वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको फ्रेम है, अलग अलग टाइप्स है, फ्रेम है, सर्कल है, पॉलीगॉन में, मतलब पॉलीगॉन का मतलब कि हम लोग कैसे भी शेप बना सकते हैं अलग अलग तरह के, आपको ज्योमेट्री मुझसे अच्छी आती होगी। देखो अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं और होगा, जो भी है देखो यहाँ पे मान लो ट्रेपेजॉइड है, देखो मुझे इस तरह से इसको करना है तो हमें वहां पे पॉलीगॉन वाला उसका जो फंक्शन है वो वाला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। बट अभी मैं इनसेट का देखते हैं हम लोग, इनसेट इनसेट क्लिप पाथ, तो उसमें चार वैल्यूज हमारे देना पड़ती थी, यहाँ पे चार अच्छा लगा इनसेट, देखो दो वैल्यूज यहाँ पे दिए क्योंकि हमें अगर स्क्वायर वगैरह बनाना है तो हमें सेम वैल्यूज देना पड़ेगी, ठीक है। बट अलग अलग रेक्टेंगल वगैरह बने, दो ही चीजें बनेगी, एक रेक्टेंगल बनेगा तो फिर स्क्वायर बनेगा। अभी देखते हैं हम लोग कौन सी वैल्यू बनती है, यहाँ पे 100 पिक्सल और 50 पिक्सल दे दिया हम लोगों ने, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो अभी जनरेट हो रहा है वो, देखो स्क्वायर टाइप बना आई थिंक ये, इसको थोड़ा चेंज करते हैं इस वैल्यूज को, देखो यहाँ पे देखो ये कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया और ये जो है ये हमारी देखो लेफ्ट और राइट के बारे में ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये इनसेट में होता है हमारा, यहाँ पे आप लोग को टेंशन नहीं लेने का, ये इंस्पेक्ट जो बना है ना हमारा डिबगर, ये खास उसी के लिए बना है हमारे को टेस्टिंग करने के लिए कुछ भी चीजों के लिए। देखो यहाँ पे आ गए हम लोग, इसको वैल्यूज को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली आगे, जो हम लोग ने वहां से लिए थे इंस्पेक्ट से, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। ओके अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी नेक्स्ट वाला बनाएंगे पॉलीगॉन, जो लास्ट है हमारा इसका पॉलीगॉन, पॉलीगॉन उसकी वैल्यूज तो काफी वो होते हैं, काफी सारे होते हैं पॉलीगॉन के वैल्यूज। अभी हम लोग चलते हैं उसी वेबसाइट के ऊपर पॉलीगॉन, देखो यहाँ पे पॉलीगॉन है, अगर मुझे ऐसा शेप चाहिए कुछ इस तरह से कुछ शेप चाहिए, या फिर मान लो स्टार वाला शेप चाहिए, स्टार है कि यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टार था आई थिंक, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, ये शेप हमें चाहिए तो इस शेप की सीएसएस नीचे जनरेट हो चुकी है, देखो काफी सारे वैल्यूज है नीचे, देखो यहाँ पे इस तरह से नीचे देखो ये वाली वैल्यूज, इसको जस्ट कॉपी करना है हमें, ये वैल्यूज को आने के बाद में यहाँ पे आना है पॉलीगॉन के अंदर, यहाँ पे सिंपल
पेस्ट कर देना। देखो ये वैल्यूज, अभी इतने वैल्यूज तो हम लोग खुद नहीं बना सकते, ये वैल्यूज देखो, ये वैल्यू अभी देखना, आने के बाद में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश वो वाला शेप आपको यहाँ पे बन के मिलेगा। देखो मिला आपको यहाँ पे, देखो कुछ पंखे, पंखा टाइप शेप है, फैन के जैसा। रिफ्रेश किया मैंने, देखो नेक्स्ट इमेज आ गया, ठीक है। सो इसका यूज हम लोग हमारे हिसाब से कर सकते हैं। जब आप लोग, हम लोग प्रैक्टिकली बनाएंगे ना कि वेबसाइट का स्टार्टिंग, जब लैंडिंग पेज बनाएंगे तब मैं आपको ये दिखाऊंगा कैसे वहां पे यूज होता है इसका, ठीक है। अभी तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझना है और यूज कैसे करते हैं और कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग, ये समझना है, ठीक है। बाकी हम लोग वेबसाइट के टाइम पे जब बनाएंगे तब हम लोग देखेंगे इसको। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके बाद में, तो नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी आना चाहिए आपको, ये वाली जो प्रॉपर्टी क्लिप पाथ वो आना चाहिए, जब जाकर आपको ये शेप आउटसाइड समझेंगे। तो दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट है, मतलब बोलने के लिए शेप आउटसाइड जो होती है ये टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के लिए यूज होती है। अभी दिखाता हूं मैं कैसे, फाइल बनाते हैं, नहीं देखना भी HTML, तो हम लोग इमेज लेते हैं, यहाँ पे एक इमेज लेंगे सिंपल सी, पिक्सम वाली इमेज लेते हैं, इसी के अंदर की इमेज लेते हैं जो हमने यहाँ पे यूज की थी, वैसे ही छोटी सी इमेज यूज करते हैं 100x200 वाली, और इसको अल्टरनेट पैराग्राफ देते हैं इसके नीचे, डमी कंटेंट, ठीक है। देखते हैं ओपन करके कैसे दिख रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं कि मैं फ्लोट लेफ्ट करता हूं इसको, मैं थोड़ा इमेज को मैं फ्लोट लेफ्ट करता हूं, स्टाइल एट्रीब्यूट सॉरी स्टाइल टैग इमेज हम लोग को सेट करना है फ्लोट लेफ्ट, ये ऑलरेडी हमने देखा है, फ्लोट लेफ्ट किया मैंने, देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा लेके आपको समझाने के लिए ज्यादा लेना पड़ेगा टेक्स्ट, एक काम करते 1000 वर्ड्स लेते हैं डायरेक्टली, 1000 हो गया, देखो कुछ इस तरह से। अभी हम लोग बात कर रहे थे इमेज के अंदर वाला क्लिप लेआउट से, मतलब पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज को ऐसे कुछ शेप देंगे जिसे हम लोग अभी दिया हम लोगों ने क्लिप पाथ से, देखो इमेज को मैं दे रहा हूँ क्लिप पाथ। अब हम लोग ने जो यहाँ पे शेप दिया था सर्कल का, उसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखो उसी सर्कल को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैंने ऐसे सर्कल दिखेंगे आप लोगों को अभी, ठीक है। हो गया ना, कुछ अच्छा खासा शेप बना लेते हैं हम लोग, चलो यहाँ से जाके ये वाला शेप बना, अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिए ये वाला शेप, ठीक है ये वाला शेप आई थिंक ठीक रहेगा, देखो ये चलो ठीक है, जैसा भी हम लोग लेते हैं पॉलीगॉन को कॉपी करके, कोई भी शेप चलेगा वहां पे, ऐसा नहीं कि सर्कल, कोई भी चलेगा। रिफ्रेश किया वहां पे, यहाँ पे रिफ्रेश हमारे वही वाली फाइल में, वो वाला शेप हमारा रेडी रहेगा यहाँ पे, देखो ये वाला कुछ इस तरह से आ रहा है। बट हम लोग देखो ये गैप जो छूट रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये खाली स्पेस छूट रहा है यहाँ से, हम लोग इसका भी यूज करेंगे अभी। तो मैंने कहा जैसे कि टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं शेप आउटसाइड, तो ये इसके बाहर वाला जो शेप है ना उसको हम लोग करने के लिए, अभी देखो कैसे करता हूं मैं, यहाँ पे हम लोग चलेंगे पैराग्राफ टैग में, उसमें यूज करेंगे हम लोग शेप आउटसाइड। शेप आउटसाइड के अंदर हम लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं, मान लो मैंने यही पॉलीगॉन का यूज किया वहां पे, तो अभी देखो कैसे इफेक्ट होगा उसका, जो खाली स्पेस बच रहा था वो चला जाएगा वहां से, मतलब उसका भी यूज होगा, चला नहीं जाएगा उसका यूज होगा। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे सर्कल का सही से समझ में आएगा हमें, सर्कल लेते हैं अच्छा सा सर्कल, ठीक है सर्कल सर्कल ओके, यहाँ पे लेते हैं हम लोग इस तरह से, आउटसाइड के शेप के लिए है ये प्रॉपर्टी, एक मिनट आई थिंक ये कुछ इश्यू दे रही है प्रॉपर्टी, क्योंकि ये ऐसे काम नहीं करती है, ये
पूरी तरह से काम करती है, यहाँ पे काम कर रही है या नहीं कर रही है, हम लोग चेक करके देखते पूरा। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है प्रॉपर्टी में, काम नहीं कर रही है, लग रही है शिप आउटसाइड, यहाँ पे काम नहीं कर रही है वो, कुछ तो है। उसका सिंटैक्स तो सही रहेगा हमारे पास शिप आउटसाइड, आपको यहाँ पे एग्जांपल होगा ना इन लोगों का तो समझ आएगा डायरेक्टली मुझे क्या बताना है। हमने कर दिया आई थिंक, मुझे लगता है कि ये सपोर्ट का इशू नहीं। देखो ये कुछ इस तरह से मैंने जो एग्जांपल बनाया ना एग्जैक्टली ऐसे ही बनाया यहाँ पे, तो ये जो है ना यूज देखो कुछ इस तरह से होता है इसका सिंपली यूज पॉलीगॉन, यहाँ पे कम ज्यादा करके देखते हैं हम लोग सर्कल में, बस इसका इतना हो रहा है। देखो ये जो होता है ना ये कुछ टेक्स्ट इस शेप में आता है, मतलब जो खाली स्पेस वेस्ट जा रहा था ना वो यूज में आएगा हमारे, बट यहाँ पे एक्चुअली ये काम नहीं कर रही है। आई थिंक ये ब्राउजर इशू हो सकता है क्योंकि बाकी ब्राउजर्स पे तो काम करती है। आप एक काम करना है, मोज़िला है वहां पे यूज करके देखना ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली ऐसे ही जिसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वैसी ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके देखना, ठीक है। कुछ नहीं सिंपल ये टेक्स्ट के लिए है, ये जो टेक्स्ट का खाली स्पेस जा रहा है ना वेस्टेज यहाँ पे, ये टेक्स्ट जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोग को, ये जो है ना यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से चालू होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे चालू होगा टेक्स्ट यहाँ पे शेप के हिसाब से ऐसे, ठीक है और कुछ नहीं। इसको वेबकिट लगा के देखते हैं हम लोग, फिर भी कोशिश करते हैं, अगर चली तो अच्छी बात है। चेक करके देखते हैं, ट्राई एक दो बार ट्राई करके देखते हैं, अगर नहीं चली तो फिर आप लोग मोज़िला वगैरह में ट्राई करके देखना इसको, ये वाला शेप करके देखते हैं ट्राई है। कई बार होगा आपके साथ में भी ऐसा कि वो ब्राउजर का थोड़ा थोड़ा इश्यू होता है, क्योंकि मैं अलग ही ब्राउजर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बट इतना इशू नहीं आना चाहिए था। मैंने आई थिंक पिछली बार इसको यूज किया था यहाँ पे, ये जो है आना चाहिए था वहां पे, क्या हो रहा है अभी को एक मिनट, हमारे पास जो ऑलरेडी फाइल थी वो भी काम कर रही है नहीं कर रही है मैं देख लेता हूं। तो प्रॉपर्टीज बाकी है और हमारे लिए छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है वो भी, इसको चेक कर दी क्यों नहीं चल रही है थोड़ा इसका पता लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कोड, यहाँ पे सीएसएस फाइल्स, तो ठीक है इसको मैं देखता हूँ क्यों नहीं काम कर रही है, ये समझ में तो आएगा मुझे एग्जैक्टली ब्राउजर का इशू है या फिर कुछ और इशू है, बट वो फाइल भी नहीं मिल रही है यहाँ पे, वो फाइल थी यहाँ पे, फिर भी एक मैं क्रॉस कर चेक कर लेता हूँ मैं, वेट अ मिनट बस। हम लोग क्या कर रहे थे जहां पे हम लोग शेप बना रहे ना उसी के नीचे ये वाली प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए, तो होता क्या है कि ये इनसाइड वाला शेप है मान लो आप लोग एज्यूम कर सकते हैं, और ये आउटसाइड वाला शेप है, तो आउटसाइड का शेप कैसा रहेगा वो, तो इसलिए वो एक्चुअली काम नहीं कर रही थी यहाँ पे। अभी ये काम करेंगे देखो, अभी आपको दिखेगा यहाँ पे ये इफेक्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो आपको अगर इसमें से थोड़ा स्पेस देना है आपको समझ में आया होगा। देखो अगर विदाउट शेप आउटसाइड से होता क्या है, देखो जो स्पेस ये जा रहा है ना, देखो ये वाला स्पेस खाली जा रहा है, ये वाला स्पेस यहाँ पे, देखो ये जो स्पेस खाली जा रहा है ना ये वाला हमको वेस्ट नहीं जाने देना है स्पेस, इसलिए फॉर्मेटिंग करने के लिए। और देखो अभी यहाँ पे
कैसे कर रहा हूं मैं, शेप आउटसाइड और वहां पे कोई भी शेप दे दो आपकी मर्जी, आप सर्कल दे दो कोई भी दे दो, देखो मैंने लिया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं, ऊपर वाला जो स्टेप है वही नीचे देते हैं ताकि फिर ये जो वेस्टेज वाला स्टेप है ये हमारा कवर हो जाए। देखो ऐसा अभी इन दोनों के बीच में हमें स्पेस देना है, मान लो ये इमेज तो है, इमेज का हमने जो भी शेप बनाया, बट बाहर में और इस टेक्स्ट के बीच में हमें स्पेस देना है, तो वहां पे मार्जिन देना पड़ेगी हमें। तो हम लोग सादी वाली मार्जिन मतलब जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं वो वाली यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे शेप मार्जिन, शेप मार्जिन यूज करेंगे। मैं जरा 20 पिक्सल देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, तो देखो ये मार्जिन यहाँ पे बढ़ रही है अभी, यहाँ पे देखो ये वाला स्पेस आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व करने वाली चीज है बस यहाँ पे ये वाला देखो 20 पिक्सल ये वाला, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज है, आपको भी ये ध्यान रखना है कि ऐसा होता है। अभी मुझसे हुआ एक प्रॉब्लम जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो शेप आउटसाइड हम लोग को कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे हम लोग क्लिप पाथ यूज करें उसी के बाद, ओके। सो बार वाला शेप ऑटोमेटिकली उसके तरह हो जाएगा वो, ठीक है। मतलब हम लोगों ने क्या किया, इनसाइड का शेप चेंज किया और आउटसाइड का भी शेप चेंज किया, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये था हमारा शेप के बारे में। अब दूसरा है हमारा जो दो प्रॉपर्टीज, दो तीन बाकी है, एक 5-5 मिनट की भी नहीं है, हम लोग करते हैं इसको अभी। तो देखो हम लोग को करना क्या है, सिंपल चीज है। अगर हम लोग, आप लोग देखते होंगे कि हम लोग वेब पेज में आते हैं यहाँ पे, देखो इसी के ऊपर अप्लाई करते हैं कि टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड है। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि कोई भी आए हमारे वेबसाइट के ऊपर तो ऐसा कॉपी पेस्ट ना करें, मतलब ये कॉपी ना करें टेक्सचुअल डेटा को, तो हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को है प्रॉपर्टी CSS3 की यूजर सिलेक्ट, उसके अंदर हम लोग 4 वैल्यूज है वैसे तो, ऑटो नन टेक्स्ट ऑन ऑल। तो टेक्स्ट में टेक्स्ट वाला सिलेक्ट होगा, ऑल में सब कुछ सिलेक्ट होता है, नन का मतलब सिलेक्ट ही नहीं होगा, और ऑटो मतलब अभी है ऑटो, बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। दिखाता हूँ आपको इसी प्रॉपर्टी में यूज करके, मतलब इसी फाइल में यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखना अभी पी टैग के अंदर हम लोग जो टेक्स्ट है हम लोग नहीं चाहते कि वो सिलेक्ट हो जाए, यूजर सिलेक्ट नन। अब लाख चाहे कुछ भी कर लो ये टेक्स्ट सिलेक्ट ही नहीं होगा यहाँ से, देखो कुछ भी कर लो सिलेक्ट ही होने वाला नहीं यूजर सिलेक्ट से, ठीक है। ये वाला अगर आप लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूजर सिलेक्ट के जगह पे दूसरा और ऑल यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, एक मिनट गलती से मैंने कुछ और लिख दिया ऑल, तो इससे होता क्या, देखो मैंने जैसे क्लिक किया तो ये एक क्लिक में सब सिलेक्ट हो गया, एक बार क्लिक किया पूरा सिलेक्ट हो गया ऑल। अब ऑटो का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट जो है हमारा, नन का मतलब आपने देखा, टेक्स्ट का मतलब क्या है, सिंपल वही यूज है टेक्स्टुअल डेटा कॉपी करने के लिए जो है ये दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है हम लोग अभी नन रखते हैं इसको, ताकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे वेबसाइट का कोई भी कंटेंट हो वो कोई कॉपी करे यहाँ से, कॉपी तो होगा ही नहीं, कॉपी वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वो काम करती है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक, इसके लिए मुझे फाइल बनाना पड़ेगी, ओके। बट ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ा कवर करते हैं, ये वाली दोनों भी एक ही फाइल में करेंगे, फाइल सेव करते हैं, जिसका नाम हम लोग रखते हैं क्या नाम है इसका, बॉक्स देखना है हम लोग को, और बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक देखना है, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है बॉक्स डेकोरेशन, एंड हमारी है दूसरी कोट्स वाली प्रॉपर्टी, टैग देखा था ना उसके हेल्प, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो। अभी सिचुएशन ऐसी कुछ सिचुएशन में लेके आता हूं मैं यहाँ पे, तो आपको समझेगा। देखो स्पैन स्पैन टैग यूज करना है हम लोग को, होता ही है हमेशा स्पैन टैग हम लोग यूज करेंगे तब एक प्रॉब्लम आती है। देखो इस तरह से मैंने किया, मान लो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्पैन टैग दिखा तो आपको कैसे दिख रहा है, देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये स्पैन टैग के अंदर डेटा है, अभी मान लो मैं इसके अंदर ब्रेक दे रहा हूँ, बट ब्रेक देने के पहले मैं कुछ CSS इसके ऊपर लगा लेता हूँ हमारे स्पैन के ऊपर। स्पैन यहाँ पे हम लोग बॉर्डर वगैरह लगाएंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा मैं आपको, अभी तो बॉर्डर सही से आएंगे, यहाँ पे देखो आ रही है ना सही से, बट जब ये लाइन ब्रेक होगी यहाँ पे एक BR टैग डालते हैं हम लोग यहाँ पे, जगह जगह पर हम लोग BR टैग डालते हैं, ब्रेक टैग, ताकि आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे ब्रेक टैग यहाँ पे डाल देते हैं, ब्रेक टैग प्रॉब्लम आ रही है, देखो यहाँ पे बॉर्डर कट हो रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखना कॉर्नर के ऊपर कि एक प्रॉब्लम आती है जो है कि बॉर्डर देखो ऐसे कट हो रही है, यहाँ से देखो कट हो रही है यहाँ पे बॉर्डर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक, आई थिंक आई एम राइट, बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक, ओके।
ये प्रॉपर्टी है फॉर यूज फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो इसके दो वैल्यूज, एक होती है स्लाइस जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, स्लाइस जो दिख रहा है आपको, ये जो हो रहा है ना यहाँ पे स्लाइस की वजह से हो रहा है जो डिफॉल्ट है। दूसरी एक क्लोन, तो अभी हम लोग क्लोन का यूज करके देखेंगे कि होता क्या है इससे। देखो अभी मैं दिखा था आपको, क्लोन यूज करेंगे यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक। स्लाइस यूज करेंगे तो आपको कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा, एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही रहेगा क्योंकि वो डिफॉल्ट है। और दूसरी है क्लोन, इससे होगा ज्वाइन हो जाएगा। देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, ओके तो ये यहाँ पे नहीं चलेगी। मुझे याद आया क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली ये इस अभी तक सपोर्ट नहीं है इस ब्राउजर्स को, ये मोज़िला के ऊपर ही चलती है सिर्फ। तो इसको चलाने के लिए यहाँ पे हम लोग डालते हैं वेब किट -1 और यही प्रॉपर्टी फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो अभी आई थिंक चलेगी, ओके देखो अभी चल रही है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ज्वाइन हो चुकी है। यहाँ पे देखो जो टूटा हुआ था मतलब जो ब्रेक हो रही थी बॉर्डर, वो नहीं हो रही अभी। देखो यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज मतलब मान लो अभी देखो मैं इसको क्या करता हूँ, बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड कलर थोड़ा अच्छा बनाते हैं हम लोग इसको, बैकग्राउंड कलर नहीं बैकग्राउंड देते हैं। इसमें हम लोग यूज करेंगे ग्रेडियंट, लिनियर ग्रेडियंट आप लोगों को याद होगा, लिनियर ग्रेडियंट। इसमें हम लोग रेड ग्रीन कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है थोड़ा गंदा लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा। इसको थोड़ा फ्रंट वाले कर रहा हूँ, सियान टैन और पीट। ये जो है अभी इसको मार्जिन वगैरह देते हैं हम लोग, थोड़ा मार्जिन पैडिंग भी सही से काम करेंगे। देखो इसके ऊपर 10 पिक्सल ज्यादा हो गई, लाइन हाइट देना पड़ेगी। लाइन हाइट आपको याद है 50 पिक्सल, आपको अलग ही व्यू दिख रहा है आप। हुआ क्या 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 किया मैंने, देखो जो प्रॉब्लम थी हमारी बॉक्स डेकोरेशन, ये जो प्रॉपर्टी नहीं चल रही थी यहाँ पे, सॉरी चल रही है, हमारे पास स्लाइस थी डिफॉल्ट, इससे हो क्या रहा था, ये कट हो रहा था। देखो यहाँ पे इस तरह से, ये देखो ये कट हो रहा है, ये पोल देखो यहाँ पे, देखो कट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, बॉक्स डेकोरेशन ब्रेक प्रॉपर्टी को यूज किया यहाँ पे, क्लोन यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है दूसरी वाली वो दिया मैंने। तो उससे फायदा क्या हुआ हमारा, देखो ये ब्रेक नहीं हुआ, जो ब्रेक हो रहा था वो ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे, देखो इस तरह से। अब इसको रेडियस भी दे सकते हैं हम लोग, बॉर्डर रेडियस मान लो हम लोग को देना है 10 पिक्सल, देखो कुछ इस तरह से। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है। सो ये काम कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम आने के बाद में हम लोग ये प्रॉपर्टी का यूज करके ऐसा सॉल्व कर सकते हैं ऐसे चीजों को, ठीक है। और थोड़ा अच्छा भी लगेगा क्योंकि ये मैंने कहा ना ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी है ये वाली, सो यूजफुल है ये। और जो लास्ट वाली है हमारी आज की सेशन की लास्ट वाली प्रॉपर्टी, क्वोट्स नाम की, तो अभी ये क्या यूजफुल है क्या, तो आप लोगों ने जब हम लोग कोटेशन टैग यूज किया था, यहीं पे मैं यूज करता हूँ ऊपर, देखो यहाँ पे कोटेशन टैग यूज करता हूँ क्यू टैग, उसमें कुछ लिखते हैं कि वी आर वेब डेवलपर्स, ठीक है। तो आपको पता है कोटेशन अगर मैं टैग यूज करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डबल कोट्स आ ही जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। देखो ये जो ऊपर आ रहा है ये कोट्स है हमारे, ठीक है, बट ये बाय डिफॉल्ट आया है, ब्राउजर इसको पुट करता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये कोट्स नहीं है, इसकी जगह पे कुछ और एंटिटी मतलब कुछ और सिंबल आए वहां पे, तो वो कैसे चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी है, तो अभी मैं बनाते हैं यहाँ पे, देखो क्यू के अंदर हम लोग देते हैं कोट्स। अभी इसके अंदर हमें पास करना है कि हम लोग को इसके जगह पे क्या देना है, ये जो डबल कोट्स ब्राउजर डाल रहा है वहां पे इसके जगह पे क्या देना है, रिप्लेसमेंट में क्या देना है। तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, मान लो मैं दे रहा हूँ, चलते हम लोग किसी वेबसाइट के ऊपर कुछ लेते हैं हम लोग एंटिटीज वगैरह वहां से, क्या बोलेंगे उसको, सिंबल या फिर एंटिटीज, सिंबल्स बोलो कुछ भी बोलो, यहाँ पे जो सिंबल्स होते हैं ना, अभी ये साइट ये उस दिन हो नहीं रही थी एक्चुअली साइट ये, बट आज हो गई ये साइट। तो मैं चाहता हूँ कि वहां पे जो अभी वहां पे कुछ ऐसे सिंबल आए, जैसा देखो ये वाला सिंबल है, ये कॉपी होगा सिंबल, ओके देखो हो रहा है ये कॉपी। तो मैं चाहता हूँ कि देखो ये वाला ऐसे कुछ सिंबल आए वहां पे ऊपर कुछ इस तरह से, देखो ये जो तीन आ रहे हैं ना इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया सिंबल, यहाँ पे आया मैं डबल कोट्स में ये डाल दिया मैंने सिंबल, हाँ, और स्पेस देना है। अभी क्या होगा देखो, रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे आगे, थोड़ा गौर से देखना आप लोग, हुआ कि नहीं कुछ, नहीं हुआ, ओके दो डालना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, दो डाल कर देखते हैं हम लोग, ओके मुझे लगा ही था दो डालना पड़ेंगे यहाँ पे, एक से काम नहीं चलेगा, दो डालना पड़ेंगे हमें। इसको भी कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से,
यहाँ पे आया मैं, इसको पेस्ट कर दिया, तो मैं इसके जगह पे रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, किसके जो डबल कोट है ना हमारे, उसके जगह पे रिप्लेसमेंट ये कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे किस तरह से कोट सम की प्रॉपर्टीज है, पहले ऐसा नहीं कर सकते थे हम लोग, बट अभी हमारा पॉसिबल है। देखो रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये ब्राउजर ने पुट किया, ये हम लोगों ने नहीं किया, एक्चुअली ब्राउजर ने डाला, बट हम लोगों ने उसे बताया कि वहां पे क्या पुट करना है। देखो ये हम लोगों ने बताया, आप चाहते हैं कि कोटेशन के अंदर कोटेशन है, मान लो इसके अंदर और एक क्यू टैग है, क्यू टैग हो सकता है ना, ऐसे सिचुएशन आ सकती है, वेब सिचुएशन आती है, तो अंदर भी वही यूज कर रहे हैं ना, तो अभी मैं चाहता हूँ कि अंदर वो यूज ना करें, अंदर कुछ और यूज करें, तो हम लोग यहाँ पे स्पेस करके वापस देंगे। देखो मैं चाहता हूँ कि अंदर वो क्या करें, नया कुछ यूज करें, मान लो यहाँ पे है क्या कुछ, ये वाला देखते हैं हम लोग। देखो इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया, इसको डबल कोट देना है। अच्छा ये ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसी को कॉपी करो, नीचे जो दिख रहे हैं आपको उसी को भी कॉपी कर सकते हैं आप लोग, जो एंड ये जो दिख रहे हैं ना इसको भी कॉपी कर सकते हैं। इसको लेता हूँ मैं यहाँ से कॉपी करा ये, और ओके ये उसके साथ में रहेगा ना ये, ओके दे रहा हूँ और डबल कोट पेस्ट। देखो मैं कैसे दे रहा हूँ यहाँ पे, अभी देखना आप लोग कैसे वो दिख रहा है, रिफ्रेश गलत हो गई, इसको उठा के यहाँ पे डालो हम लोग, आपकी मर्जी आगे पीछे करो उसको, वो हो जाएगा सही से, जहाँ पे रख रहे हैं जो भी पोजिशन के ऊपर रख रहे हैं वो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये जो सिंबल है ये मैंने ले लिया, ये वेब जो हमारा ब्राउजर है उसने यहाँ पे पुट किया क्यू टैग के इधर पे, जो बाय डिफॉल्ट कोट्स थे सिंबल आ रहा था डबल कोट्स का, उसको रिप्लेस किया हमने सिंपल, और कुछ नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही प्रॉपर्टीज हमने देखा, हमने काफी सारे प्रॉपर्टीज देखे, रिसाइज से लेकर वायर फंक्शन, कैल फंक्शन, कैल क्लिप पाथ, शेप आउटसाइड, सीएसएस 3 में यूजर सिलेक्ट, बॉक्स डेकोरेशन, ब्रेक कोट्स, ठीक है। तो अभी कल से हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चालू करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, आपको समझ में आएगा, वहां पे थोड़ा मैथमेटिकल रिलेटेड है चीजें, कुछ कुछ चीजें ऐसे चीजों को रोटेट करना है, ये सब चीजें हम लोग को देखना है वहां पे, एचटीएमएल एलिमेंट को कैसे। ओके सो एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक रिकॉर्डिंग पूरी करने दो, स्टॉप रिकॉर्डिंग।